तो भाई साहब एक ये रहा और भाई ये रहा और भाई आपका भाई ये रहा गंदा कपड़ा। अरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, तो आज मैं सफेद कपड़ा पहन जाऊं। आई एम सो लोनली ब्रोकन एंगल सॉरी एंगल नहीं एंजल। हाँ मैं लेकिन भाई मैं एंजल हूँ, मतलब एंगल हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हूँ। कंट्रोल। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो कहीं काफी लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना होगा, सोचा गाइस बता दो भाई ये बाबा मीम लगा दे यार मुझे। हाँ मीम पता रहता है। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो भाई ये रहे दो ब्लोअर फैन या मोटर कह सकते हो। तो भाई ये है कार एसी के और भाई मुझे एक सिर्फ 250 रुपए का मिला था। मैं भाई साफ सफाई कर रहा था टेबल के नीचे, तो भाई साहब मुझे ये दोनों लोंडे मिले। तो भाई साहब दिवाली आने वाली, मैंने ठेक ले लिया भाई साहब सफाई का घर की। तो भाई आज सफाई के लिए 250 प्रोजेक्ट बनाएंगे गाइस, एक ब्लो बनाएंगे इतना बड़ा। नहीं 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 इतना बड़ा नहीं, फ्रेम तो बाहर निकलते हैं इतना बड़ा। हाँ तो ने भाई मेरा खुजली नहीं मचली भाई, ऐसी मजा सारा पता लगा। फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक पर। ले दो थोड़ा कंप्लीट वॉच की जगह लौंडो। समर एक्सपेरिमेंट। हाँ जी टू पंप बहुत मेहनत है, टिकटॉक पर काम करती है, कितने खुश रहती। तो भाई साहब यहाँ पर ये दो जो फैन है भाई ये दोनों चालू हैं। मैंने गाइस टेस्टिंग करा दी है, तो भाई मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा, वीडियो खाने गाइस लंबी हो जाएगी, तो काफी लोगों ने ब्लॉग देखा, थैंक यू सो मच। फेफड़े पहले जी सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो भाई कोई सा भी ले लेंगे, देखो भाई बड़ा लोग है गाइस, तो भाई इसकी बॉडी बहुत बड़ी बन जाएगी, तो भाई हम इससे थोड़ा सा छोटा लेंगे। लेकिन भाई साहब हवा इसकी भी लोडिंग मस्त है, कम मत समझना भाई साहब ना। तो भाई इसे ले लेंगे फटाफट, और इसे फिलहाल इसका किस दिन को चोर बनाएंगे, टेंशन मत लो आ जाएगा जल्दी वीडियो। या भाई साहब YouTube वाले काफी नोटी हैं, TikTok बंद करवा दिया बिल्कुल चुप। ये एक TikToker ही कह रहे थे भाई साहब मुझसे, तो कह रहे थे भाई मुझे यूट्यूबर मिले तो भाई मैं फोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई मैं भी आपका भाई ही हूँ, मैंने नहीं कहा भाई YouTube पे काम करता हूँ, नहीं पिटना थोड़ी मेरे को छितना थोड़ी है, वैसे भी किलते बैठे सारे। अरे एक ना मारता पूरी फौजी भाई साहब। खैर जो बात है भाई अपने बचाव के लिए तो गधे को बाप बनाना पड़ता है, बना लिया मैंने। खैर जो बात है गाइस यहाँ पर भैया फटाफट इस मोटो को लेते हैं और भाई साहब इसकी बॉडी तैयार करते हैं। अपनी तो हम सुनी नहीं लेकिन इसकी तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन भाई साहब बॉडी बनाने से पहले इसके भाई जो ये ब्लेड है या इम्पेलर है भाई इसे निकाल लेते हैं गाइस, काफी मुश्किल है, देखते गाइस क्या होता है। तो भाई इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, लॉक ये रहा, बहुत प्यार से खुल गया, खुल गया, उड़ गया। हाँ तो भाई साहब ये बहुत ही जबरदस्ती ठोका गया है, यानी इस मोटर के साथ काफी जबरदस्ती की गई है, हम भी कर लेंगे थोड़ी सी क्या हो गया। तो भाई हथौड़ा हो जाते हैं, निकल तो रहेगा लेकिन काफी मुश्किल है। चलो भाई पहले फटाफट निकाल लेते हैं। A few minutes later. निकाल दिया भाई साहब, हालत खराब हो गई मेरी जो बात है भाई। मैंने जितने भी ये WD-40 भाई मट्टी का तेल पेट्रोल सब में आग लगा दी भाई साहब, बड़ी मुश्किल से निकला और भाई साहब ऊपर जगह इस यहाँ पे ये प्लास्टिक टूट गई है, चोट लगी तो भाई हो गई। लेकिन भाई साहब जो बात है मैं भाई निकाल के माना, यहाँ पे गाइस ये निकल गया। तो भाई साहब कितनी गंदी हो रही है भाई ये, मतलब कितनी इस पे धूल मट्टी जम रही है भाई, देख सकते हो। चले भाई साहब इसे फटाफट में धो के लेकर आता हूँ। तो लीजिए भाई साहब देखिए क्या मस्त हो गया भाई, बिल्कुल नहीं कोई नहीं कह सकता भाई पुरानी आपके लगे वैसे, आपको पता है पहले आप देख सकते हो और भाई अब क्या आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है भाई ये बात है। तो चलिए भाई साहब अब फटाफट इसकी भैया बॉडी बनाते हैं, आंख का नंबर आ ही गया। तो लीजिए भाई साहब हमने कट कर लिया है साइकिल का चैन कवर, आपको देखने भाई लग भी रहा होगा भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। क्या करें भाई शेप ही कुछ इस तरह का भाई मोटर की, तो काटना तो भाई ऐसे ही पड़ेगा ना। और भाई साहब ये रही एक पीवीसी पाइप की शीट, और गाइस ये काफी हल्की है देखो, मतलब है मजबूत ओरिजिनल पाइप की है, मतलब बैंड होने में आसानी रहेगी, मोटी लेते तो गाइस वो बैंड नहीं हो पाती। तो भाई ये 40 mm का पीवीसी पाइप की शीट है और भाई ये 9.5 cm इस तरीके से इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और लेंथ तो गाइस इसके बराबर, मैंने गाइस पूरा एक बार में कट कर लिया, मेहनत बेसक है लेकिन भाई साहब जोड़ नहीं लगना चाहिए, मजा नहीं आएगा। चलो भाई फटाफट से चिपकाते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने कट किया था जिससे गाइस मैं एक बार में से कंप्लीट कर सकूं। देखो भाई साहब, तो भाई साहब ये बन चुकी एक बड़ी सी सीटी, काम कर रही है, इफेक्ट था, ठीक है। तो भाई बताइए कैसा लग रहा है, मतलब काफी मेहनत लगी बहुत। अगर गाइस हम अलग से बनाते हैं डीसी मोटर का 700 का हो गया, तो भाई हम उसकी इंपेलर सब बनाने पड़ते हैं, उसमें काफी मेहनत लगती है, इसमें मेहनत नहीं है, टाइम भी आदमी लगेगा और भाई फास्ट कम होगा और मस्त बिल्कुल। फटाफट भाई साहब इस पे करते हैं पेंट। ओके A few minutes later.
देखो भाई साहब क्या मस्त कलर लग रहा है बॉस, येलो और ग्रीन। वैसे गाइस ग्रीन कलर मैं करता नहीं हूँ, लेकिन भाई लेकर आगे मैंने सुबह कर लेते हैं, और येलो और ग्रीन का तो कॉम्बिनेशन गाइस काफी मस्त लगता है। तो गाइस फटाफट इसके अंदर हाँ मोटा फिट करते हैं। अब क्यों गाइस मोटर पुराना है, तो भाई एक दो तो दो तो ठीक है भैया, और तीसरा ये टूटा हुआ तो गाइस मैंने इसके अंदर लगा दिया, और वैसे गाइस बिल्कुल ठीक है। और भाई अब इसके लगाते हैं इंपेलर, और मैंने अच्छे से इसकी शाफ्ट को साफ कर देता मोटर की भड़ा करके, और इसकी फिटिंग अच्छे से ला देती जिससे भाई अच्छे से आ जाए तरीके से। मैं सोच रहा जब तो आ रहा हाँ आ गया, मैं गद्दा ही करता भाई। चलो इसके लॉक भी लगाते हैं बस। तो भाई काफी मस्त लग रहा है जो बात है, मोटर का इस काफी बढ़िया जो बात है, मतलब अच्छा लग रहा है। तो भाई फटाफट से बंद करते हैं इसके ढक्कन लगाकर। तो लीजिए गाइस ये बन चुका है, तो भाई काफी मस्त लग रहा हैवी तो गाइस खैर लग ही रहा है, लेकिन भाई क्योंकि हमने बनाई हैवी तो गाइस हैवी तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है, जब बनाया तो लगेगा। और भाई अब आते हैं इसके हैंडल पर। तो भाई इस बार मैं इसका हैंडल बनाकर नहीं लगाऊंगा इस बार, क्योंकि आप जानते हो गाइस मैं लगाता रहा तो बनाकर पीवीसी के स्विच पर लगा देता हूं, मतलब हाथ में स्विच लगाता हूं। नहीं भाई इस बार हम कुछ और करेंगे। तो भाई ये हैंडल लेकर आया हूँ 25 रुपीज का, 25 रुपए का स्टेनलेस स्टील का हैंडल है। तो भाई साहब सब कुछ फट जाएगा, ये नहीं फटेगा कुछ भी। हाँ तो लीजिए गाइस ये हैंडल काफी मस्त लग रहा है जो बात है। और भाई देखिए मैंने थोड़ा सा इस साइड लगाया, देखो क्योंकि हम मोटर का थोड़ा सा लोड है, तो गाइस ये मैंने इन दोनों के बीच में लगाया, मीडियम लगाया, वो भाई इसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो भाई अब आते हैं बैटरी पर। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो गाइस आप इस पे बैटरी लगा सकते हो, बहुत स्पेस है, आप गाइस यहाँ बैटरी चिपका सकते हो इस तरीके से, कोई एसी वाला जो एरिया है ये तो भाई फ्री है। या भाई दूसरा तरीका ये कि भाई आप इसे बाहर से पावर दो, 12 वोल्ट DC का यहाँ पर सॉकेट लगाओ और भाई उसे लगाओ और भाई इसे चलाओ। तो भाई अगर इस पर हमने बैटरी लगाया तो गाइस मजा नहीं आएगा जो बात है ना। चलिए एक काम करते हैं इसे बाहर से पावर देते हैं। तो चले भाई इसके फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं, और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक सॉकेट और एक स्विच। कनेक्शन भाई आप जानते हो सिंपल सा कनेक्शन है, चलिए कर लेते हैं फटाफट। हाँ तो गाइस ये भैया कंप्लीट हो चुका है। देखिए भाई साहब स्विच मैंने यहाँ लगाया है, और भाई सॉकेट मैंने यहाँ लगाया है, देख सकते हो इसके अंदर ही चला गया। और भाई इसकी ग्रिप देखो भाई क्या मस्त, देखो इस तरह की देखा हमारा जो थंबे वो आराम से पहुंच सकता है, देखिए देख रहे हो बेहतरीन, काफी मस्त लग रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा हैवी सा। ओ भाई काफी चीप है भाई, यकीन मानिए मैं मार्केट गया था तो भाई 1600, 1800, 1200 रुपए इस तरह भाई प्राइस थे, ठीक है ब्लोअर के। और भाई ये काफी चीप है, आई थिंक अगर आप मोटा मोटा मान के चले भाई 200-250 रुपए का ये ब्लोअर मिला है, कबाड़ा पुराना जो गाइस बिल्कुल मस्त चल रहा मक्खन भाई साहब। 4 रुपए की खींच खाचे गाइस पीवीसी का मान लीजिए, स्विच मान लीजिए, तो लग रहा है 300-350 रुपए का हमें पड़ा है। तो भाई साहब फटाक की टेस्टिंग करते हैं, भाई साहब मजा आ जाएगा जो बात है। एक बात और गाइस आप इसे बेड चला सकते हैं, इन्वर्टर बेड चला सकते हो, एडेप्टर चला सकते हो 12 वोल्ट के, ये जो मोटर है ज्यादा पावर नहीं लेता। हाँ तो भाई हाँ ये रही बैटरी, जिस भाई को याद होगा ये मैंने बैटरी बनाई थी 240 वोल्ट एसी से डायरेक्ट गाइस ये रिचार्ज जाती है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये रहा इसका सॉकेट, ठीक है भाई इसे फटाफट चला के देखते हैं, यहाँ लगती है भैया ये आसानी से। अब भाई साहब इसे ऑन करके देखते हैं, स्विच को हमें आगे करना होगा। ओ भाई देखो, भाई देखो इसका ऑटो में देखिए यहाँ से एकदम से उठेगा, देखिए 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 ध्यान से देखिएगा, भाई काफी तेज हवा है यार, यकीन मानिए भाई साहब ठंड लग गई यहाँ पे चल रहा है, काफी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आपने गाइस देखा होगा कार में 4-5 या किसी में 6 किसी में 8 वेंटिलेशन होते हैं, जैसे गाइस ये हवा फेंकता है ब्लोअर, तो भैया ये सिर्फ एक है, जैसे गाइस ये सिर्फ अकेला फेंक रहा है, तो आप गाइस जान सकते हो। एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ, काफी मस्त हवा है। चले गाइस फटाफट बाहर चलते हैं भैया, इससे कुछ कूड़ा वूड़ा साफ करके देखते हैं। भाई वैसे इतना कूड़ा तो है नहीं, लेकिन जो भी मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है आपको पता लग जाएगी। देखो भाई साहब यहाँ पे एक कूड़ा है, इसे उड़ा के देखते हैं। ओ भाई साहब देखिए, ओ भाई साहब देखिए देखो, वाह देखो भाई साहब। तो गाइस मैं बाहर आ गया भैया, यार मजा नहीं आ रहा था भाई, वहाँ गंदगी नहीं थी, हमने सफाई कर दी, कमाल की बात है भाई, सफाई करते पड़ते हम जब नहीं करते। तो भाई यहाँ पर काफी पत्ते वत्ते पड़े हैं, और गाइस मैं बाहर आया हूँ और माइक लाना भूल गया हूँ, प्लीज दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ठीक है। वैसे गाइस मुझे टेस्टिंग करानी है, ये रहा सारा सिस्टम ठीक है, यही शुरू कर देते हैं। वाह भाई बेहतरीन, धूल गाइस काफी निकल रही रोड में जो बात है। ओ गत्ते ही उड़ रहे हैं देखो,
हाँ तो भाई साहब मजा आ गया। देखो भाई साहब कैसे सफाई कर दी, देखो यहाँ पे सब सफाई कर दिए। पहले भाई यहाँ पे पत्ते पत्ते पड़े थे, देखो ये बहुत ही प्यार से आसने सफाई कर दी। तो गाइस काफी मस्त चीज है, काफी चीप रेट बन जाता है, 100% वर्किंग है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और गाइस ये हमारा सिंपल सा जुगाड़ आपको अच्छा लगा। प्लीज दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस हैप्पी दिवाली एडवांस बनाएं, और गाइस घर की सफाई करें। मैंने और ब्लॉग बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।